हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जी जे बायोलॉजी स्टॉप। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2021 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछते अलग अलग तरीके से है, पूछने का अंदाज चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक वही रहता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे प्रोड्यूस कैराजीन। इनमें से कौन सा अलगी कैराजीन प्रोड्यूस करता है? आप वीडियो पॉज करके आंसर गैस कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर है रेड अलगे। एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ इसका एग्जांपल दिया हुआ है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये क्वेश्चन गाइस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में का क्वेश्चन है जो कि 12th का चैप्टर है, और इसमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन उसी में का है। सो जो प्लस साइन है वो फ़ायदे वाला साइन है, और जो माइनस साइन है वो नुकसान वाला है, और जो ज़ीरो साइन है उससे ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्पीशीज़ ए का फ़ायदा और स्पीशीज़ बी का भी फ़ायदा। दूसरा है स्पीशीज़ ए का नुकसान और स्पीशीज़ बी का भी नुकसान। तीसरा है स्पीशीज़ ए का फ़ायदा, स्पीशीज़ बी का ना फ़ायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं। डी है स्पीशीज़ ए का नुकसान, स्पीशीज़ बी का फ़ायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं। सो इसका आंसर है डी। सो एमेंसलिज्म में ऐसा होता है कि एक स्पीशीज़ का नुकसान होता है और दूसरी वाली स्पीशीज़ का ना नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में म्यूटेशन कौन सी रेज से होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंफ्रारेड रेज, आप पढ़ लीजिए, गामा रेज, जीटिन, काइटिन। सो इसका आंसर है गामा रेज गाइज। सो फोर्थ क्वेश्चन है, डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेनेड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन वीवेड अंडर यूवी रेडिएशन अपेयर एज। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइट ऑरेंज बैंड, डार्क रेड बैंड, ब्राइट ब्लू बैंड, येलो बैंड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए के जो पीसेस होते हैं जिसे हम डीएनए के बैंड्स भी कहते हैं, वो अपने अपने साइज़ के हिसाब से जेल के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। लाइक लार्जेस्ट अलग अरेंज होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो अलग तरीके से अरेंज होते हैं, लेकिन वो तब भी आँखों से देखने लायक नहीं होते हैं। तो उसके ऊपर डाला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, तब भी वो नहीं दिखते हैं। तो उसके ऊपर और यूवी रेडिएशन डाली जाते हैं, तब जाके वो दिखाई देते हैं। यूवी रेडिएशन डालने के बाद डीएनए के बैंड जिन कलर में दिखाई देते हैं वो कलर होता है ब्राइट ऑरेंज। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सक्सेस इंट्रेरिकस इज रिफरेड टू एज। इसके ऑप्शन है इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, काइम, पैंक्रियाटिक जूस। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरिकस जब भी वर्ड आता है तो वो हमेशा इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, तो इसका आंसर है इंटेस्टिनल जूस। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशंस और अच्छी रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें गाइस, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।